गोपी कहाँ थी तू? विद्या और श्रवण कुमार आ गए। अच्छा, लेकिन मीरा और धर्म कुमार नहीं आए हैं। अब और सुन, अब मैंने विद्या को कहा है कि बेवान जी किसी काम से चाली गई हुई हैं। ये नहीं बताया कि शादी से नाराज है, इसीलिए मुंह फुला कर बैठी है। समझी? हाँ, हाँ जी। अब विद्या जी आई। माँ कैसी है विद्या? मैं तो अच्छी हूँ माँ, लेकिन आपको क्या हुआ? बहुत थकी थकी लग रही है आप। अब ठीक है ना? हाँ विद्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आप शादी के कामों की वजह से थकान हो गई है, बस और कुछ नहीं। ये लो ना बिस्सा। अरे बाप, ये प्रसाद किस लिए? वो मैंने जग्गी जी और राधिका के लिए पूजा की थी। तुमने मेरे जग्गी और मेरी राधिका के लिए पूजा की, ये जानकर अच्छा लगा। हमारी गोपी है ही ऐसी उर्वशी बेन, वो अपने लिए नहीं सिर्फ दूसरों के लिए ही प्रार्थना करती है। पर जब वो प्रार्थना करती है ना, तो समझो कान्हा जी का तथास्तु गारंटीड। हाँ अब मासी जी, आप भी लीजिए प्रसाद। अरे ओ गोपी जी, आपको याद है ना मेरा श्रृंगार आपको ही करना है। खाना जी प्लीज, सब लोग इस लड्डू में छिपे हुए मैसेज को पढ़ लें तो मेरा काम बन जाएगा। माँ, क्या हुआ? ये लड्डू तू खा, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। अरे पर जग्गी सुन तो, आपको पंडित जी बुला रहे हैं। अभी आई बेटा। जग्गी जी ने तो लड्डू खाया ही नहीं, अभी लड्डू राधिका या फीना बेन के हाथों में चला गया तो गजब हो जाएगा। जरा यहाँ। बच्चा पार्टी, ये क्या शैतानी है? ये रैपर्स डस्टबिन में नहीं डाल सकते हो क्या? चारों तरफ खतरा, ना मैंने मंगेश है खतरा, बंदूक वाले आदमी, सतर्क रहना होगा। आप लोगों ने हमारा वो नया वाला फार्म हाउस नहीं देखा ना?
आइए मैं फोटोग्राफ दिखाती हूँ, आइए नानी। हाँ नानी ये देखिए मेन एंट्रेंस, अच्छी है ना, है ना सोना? सब अपने अपने रैपर्स देखिए जल्दी। इसका क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अपने अपने रैपर्स मुझे दीजिए जल्दी। ये देखिए नानी ये बालकनी अच्छी है ना, कैसे सजाई हुई है। माँ जी खतरे में है, चारों तरफ खतरा। माँ जी को बचाना है, ये सब राधिका की चाल है। घर में बंदूक वाले आदमी, अरे ये सब मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अरे वाह विद्या, बहुत सुंदर बंगला है। अरे रसोड़ा तो दिखा ना। नानी सासुमा कभी खुद के रसोड़े में भी गई हो? जो इनके रसोड़े में बड़ी दिलचस्पी आ रही है तुम्हें। रे राधिका अच्छा किया तू आ गई, मैं बस ऊपर ही आ रही थी। मैंने ना तेरे कमरे में एक हार रखा है, जरा पहन के देख ले। अब कहीं तेरी शादी के जोड़े से मैचिंग हो रहा है या नहीं। हाँ मैं अभी देखकर बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये रैपर्स को गायब करना होगा। मुझे तो अब मैं जरा किचन में देखकर आती हूँ, कुकिंग स्टाफ को कहीं कुछ चाहिए ना हो। अरे परी एक ये भी लेती जा। जी मास कसम आज तो एकदम भूत परी लग रही हूँ मैं। काला टीका लगा देना बाद में, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। जब शादी के दिन मैं ये पहनूंगी ना, सब मुझे ही देखते रह जाएंगे, है ना गोपी जी? राधिका ये तुम गलत कर रही हो। तुम जानती हो ना कि गुजरात में दारू पीना मना है। ए ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो जुबान काट के फेंक दूंगी मैं, समझे? येड़ा बनके पेड़ा मत खा, पेवा बनके सेवा कर। चल अब फटाफट हाथ चला और मुझे ये नौलखा हार पहना। अब तुझे मंदिर की मूर्ति कैसे चोरी करनी है उसकी थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। तो बता महाभारत में लक्ष्य ग्रह की क्या कहानी थी? लक्ष्य ग्रह? एक लक्ष्य ग्रह की कहानी नहीं मालूम तुझे? मैं लक्ष्य ग्रह के बारे में जानती हूँ लेकिन। बस अब ध्यान से सुन, मंडप को हम चारों तरफ से लक्ष्य ग्रह से घेर देंगे, रोगन से लिपटी लकड़ियाँ
और लाख से लिपटे बैंबू से पूरा मंडप बनेगा। और जैसे ही पंडित जी हवन कुंड में आग लगाएंगे ना, तो उसके बाद पूरा मंडप आग से भर जाएगा और चारों तरफ अफरा तफरी होगी। बस तुझे तभी वो मूर्ति चुरानी है जाकर और सीधा मेरे पास लानी है, रोड़ों की मूर्ति। वैसे अब तो तेरा भी धर्म परिवर्तन हो गया है, अब तो सुशील संस्कारी बहू नहीं, हमारी चोरनी कॉम में शामिल हो गई है तू। अरे यार थोड़ा सा हंस देना, थोड़ी सी बत्ती सी दिखा देगी तो गरीब नहीं हो जाएगी तू। क्या कर रही है ये सब कुछ, ये क्या है, पागल हो गई हो क्या तुम राधिका? माय डियर गोपी जी, मैं तुझे बस इतना समझा रही हूँ कि अगर तेरा मुंह खुले तो सिर्फ मुस्कुराने के लिए, समझी? और जुबान कान पे भी दबा दबा रखना, वरना ना। अब तू बस मेरे इशारे पर अपने ही घर में चोरी करेगी और अपनी बोगदी बंद रखेगी, वरना तू अपनी माजी की शक्ल अगली बार सिर्फ एक फोटो फ्रेम में देखेगी, समझी? हाँ नहीं, नहीं राधिका प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कर, तुम जैसा बोलोगी जो बोलोगी मैं वही करूँ, प्लीज माजी को कुछ मत कर। शाबाश, ये हुई ना बात। चल अब रोना धोना बंद कर और अब तू इस बारे में सोच, तू मंदिर से मूर्ति कैसे चुराएगी, जला अपने दिमाग की बत्ती, सोच। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।